स्टूडेंट्स, डीप वाटर के सेकंड पार्ट में आप सबका स्वागत है। अभी तक पहले पार्ट के अंदर हमने जाना कि किस तरह से विलियम डगलस जब एक छोटे बच्चे थे, अपने पिता के साथ वो कैलिफोर्निया बीच पे गए हुए थे, तब समुद्र की लहरों में उनके साथ एक हादसा हो जाता है। वो बच तो जाते हैं लेकिन एक डर बैठ जाता है। फिर अपने डर को खत्म करने के लिए 11 साल की उम्र में वो स्विमिंग सीखने का फैसला करते हैं, पास के YMCA क्लब को ज्वाइन करते हैं और वहां पर वो बेचारा धीरे धीरे अपने डर के ऊपर काबू पा ही रहा था। तभी एक दिन अचानक एक हट्टा कट्टा नौजवान उसको उठाकर पानी में फेंक देता है। विलियम डगलस अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि वो पानी से बाहर निकल सके लेकिन नाकाम हो जाता है। आखिरकार वो गिव अप कर देता है और उसको पानी से बाहर निकाला जाता है। वहां से हमारी कहानी होगी आज शुरू। यहां तक किसी को कोई डाउट बेटे? एनीवन हैविंग एनी डाउट? नो सर, नो सर। ओके, चलिए तो स्क्रीन शेयरिंग शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं आज की कहानी। जहां तक मुझे याद है मैंने यहां तक करवाया था एंड द कर्टन ऑफ लाइफ फेल। यस सर। केस के आगे भी किया था हमने सर, इधर देखिए ना। ओके रुद्र बेटा, प्लीज कंफर्म आपने दो डिवाइस से ज्वाइन किया है कि एक ही से हो? रुद्र, I can see आपने दूसरे डिवाइस से ज्वाइन कर लिया। चलिए, कहते हैं the next I remember I was laying on my stomach beside the pool vomiting। जो next उनको चीज याद है, उनको उन्होंने अपनी मौत को अप्रोच करते हुए महसूस कर लिया और सोचा भाड़ में जाए सब कुछ अब मर जाते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उनको पानी से बाहर निकाल लिया गया। उनको याद था कि वो उल्टे लेटे हुए थे, वॉमिटिंग कर रहे थे। द चैप दैट थ्रू मी इन वाज सेइंग बट आई वाज ओनली फूलिंग। जिस लड़के ने इनको फेंका था वो अपने इंस्ट्रक्टर को बता रहा था कि मैं तो बस मजाक कर रहा था। द किड नियरली डाइड, बी ऑल राइट नाउ, लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम। किसी और ने जो वहां पे सीनियर हो गया, इंस्ट्रक्टर हो गया, उसने कहा बच्चा तो ऑलमोस्ट मर ही गया था, चलो अभी वो ठीक है, उसको लॉकर रूम ले जाते। सेवरल आवर्स लेटर आई वॉक्ड होम। कई घंटों के बाद मैं घर गया। आई वॉज वीक एंड ट्रेम्बलिंग। मैं कमजोर था, मैं कांप रहा था। आई शुक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माय बेड। पूरी रात रोते रहा। आई कुडंट ईट दैट नाइट फॉर डेज, अ हॉन्टिंग फियर वॉज इन माय हार्ट। कई दिनों तक मेरे मन में एक डर बैठ गया था। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी, मेकिंग मी वॉबली इन द नीज एंड सिक टू माई स्टमक। छोटी सी छोटी चीज के ऊपर मेरी टांगे कांपने लगती, मेरे पेट में दर्द होने लगता। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, आई फियर्ड वाटर, आई अवॉइडेड इट व्हेनेवर आई कुड। उसके बाद मैं कभी पूल पे नहीं गया, उल्टा जब भी मौका मिलता मैं पानी को अवॉइड करता। अ फ्यू इयर्स लेटर व्हेन आई केम टू नो द वाटर्स ऑफ द कैस्केड्स, आई वॉन्टेड टू गेट इन टू देम। कहते मैं जाना चाहता था वहां पे, उस पानी में उतरना चाहता था। And whenever I did, whether I was wading the Titan or bumping river or bathing in warm lake of the goat rocks, the terror that had seized me in the pool would come back. तो ऐसा नहीं था कि ये कोशिश नहीं करते, लेकिन जब जब ये कोशिश करते पानी में उतरने की, चाहे वो कोई नदी हो, चाहे वो तालाब हो, कोई पूल हो, इनकी हालत खराब हो जाए। Yes, Madhav. Sir, cascades कोई river? कैस्केड बेसिकली कह सकते हो काइंड ऑफ स्मॉल पॉन्ड्स। ओके ओके सर, आगे बढ़ते। इट वुड टेक पोजेशन ऑफ मी कंप्लीटली, माय लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, आई सी हॉरर वुड ग्रैब माय। कहते जब जब मैं पानी में उतरता तो मेरी टांगे काम करना बंद कर देती
और एक डर मेरे दिल पे बैठ जाता, मैं हिल भी नहीं पाता. दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज द इयर्स रोल्ड बाय. जैसे जैसे समय बदला वैसे वैसे ये डर बढ़ता चला गया. इन कैनोज ऑन मेन लेक्स फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड सामन, एक तरह की फिश होती. बास फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर, ट्राउट फिशिंग ऑन द डेस्टिचस एंड मिटोलियस इन ओरेगन, फिशिंग फॉर सामन ऑन द कोलंबिया at Bumping Lake in the Cascades. Wherever I went, the haunting fear of the water followed me. It ruined my fishing trips, deprived me of the joy of canoeing, boating and swimming. Na pani mein wo rafting kar paate kisi bhi tarah. Mera inke dost jo the, ek aisa feeling ho jaye ki aap water park gaye hain, sab log pani mein khel rahe hain aur aap bahar baithe ho, kaisa lage? Aapka to mood kharab ho hi raha hai, lekin aapke doston ka bhi mood kharab ho raha hai. इसको यहां तक लेके आए यार, अब ये अकेला बैठा है तो ना आप अच्छे से एंजॉय कर पा रहे हो ना आपके दोस्त अच्छे से एंजॉय कर पा रहे. ये सब प्लेसेस है ऊपर जो नाम दिए गए हैं, मेटोलियस, ओरेगन. सामन एक तरह की फिश होती है बेटा. आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर बट इट हेल्ड इट मी फर्मली इन इट्स ग्रिप. कहते मेरे पास जो तरीके थे मैंने सब अपना लिए, लेकिन ये डर मेरे ऊपर काबू पा चुका था. फाइनली वन अक्टूबर I decided to get an instructor and learn to surf. इन्होंने क्या फैसला लिया कि भाई अब एक इंस्ट्रक्टर को हायर करते हैं और स्विमिंग करना सीखते हैं. I went to a pool and practiced 5 days a week, an hour each day, रोज प्रैक्टिस. The instructor put a belt around me, इनकी कमर में एक पट्टा बांध देता, ऊपर एक पुली जैसी मशीन होती थी, उसमें से रोप घूम के उस इंस्ट्रक्टर के पास जाती. इंस्ट्रक्टर धीरे धीरे इनको छोड़ता और ये पानी में उतरता. A rope attached to the belt went through a pulley that ran on an overhead cable. He held on to the end of the rope and we went back and forth across the pool. Hour after hour, day after day, week after week, on each trip across the pool, a bit of the panic seized me. Dheere, 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 dar inke yahan se nikalna shuru hua. Each time the instructor relaxed his hold on the rope and I went under some of that old terror return. जब जब पानी के अंदर उतरता तो डर इनके ऊपर हावी होना शुरू हो जाता. एंड माई लेग्स फ्रोज, टांगे जम जाते. इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लाइड. 3 महीने लग गए इस टेंशन को कम होने. देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सहेल एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल. पानी के अंदर आपको सांस छोड़ना होता है और बाहर आके सांस लेना होता है. सॉरी गाइज, जैसे आपको बताया था मैंने, थोड़ा नेटवर्क इशू है आज, तो डिसकनेक्शन का प्रॉब्लम अगेन हुआ. वी आर गेटिंग बैक. आप लोग कहां तक सुन पाए थे मुझे, प्लीज कोई बताएगा मुझे? रोप अटैच्ड टू द बेल. थैंक यू. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो ऑथर कहते हैं जब जब वो जो इंस्ट्रक्टर था वो पानी में इनको नीचे छोड़ता तो ऑथर घबरा जाते, इनको इनकी टांगे जम जाती. इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगिन टू स्लाइड. 3 महीने लग गए सिर्फ इस प्रैक्टिस में, तब डर कम होना शुरू हुआ. देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर द वॉटर एंड एक्सहेल एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल. पानी के अंदर आपको क्या करना होता है, जब आप पानी के अंदर है तो सांस छोड़नी है और बाहर आते हैं तो सांस लेनी है. I repeated the exercise hundreds of times. Bit by bit, I shed part of the panic that seized me when my head went underwater. धीरे धीरे एक एक छोटा छोटा कतरा कतरा कर करके वो डर मेरे अंदर से निकला. Next, he held me at the side of the pool and had me kick with my legs. For weeks, I just did that. At first, my legs refused to work, but they gradually relaxed and finally I could command them. इनकी टांगे हिलती नहीं थी, धीरे धीरे इन्होंने उसके ऊपर भी जीत हासिल की. Thus, piece by piece, he built a swimmer. इनके कोच ने एक एक टुकड़ा टुकड़ा करके इनको एक स्विमर में तब्दील किया. And when he had perfected each piece, he put them together into an integrated whole. और जब ये सिखा के तैयार कर चुके थे तब उन्होंने डिसाइड किया कि अब तुम सीख. In April, he said, now you can swim, dive off and swim the length of the pool, crawl stroke.
अक्टूबर में सीखना शुरू किया, अप्रैल में आके सीखा. अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च अप्रैल 7 महीने लग गए इनको सीखने. अब इनको बोला गया क्रॉल स्ट्रोक, एक तरह का स्विमिंग पोस्चर है, उसके थ्रू आप समुद्र जो इनकी पूल थी उसमें स्विम करेंगे. आई डिड द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड. अब इन्होंने स्विम करके दिखा दिया, इंस्ट्रक्टर ने बोला भाई मेरा काम खत्म. बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड. कहते हो सर मेरा काम तो खत्म नहीं होता, पूल में स्विम करना मेरा प्रॉब्लम था ही नहीं, अब वो तो मैं कर चुका था. मेरा प्रॉब्लम तब तक खत्म नहीं होगा जब तक मैं किसी बड़े तालाब में नहीं जाऊंगा. I still wondered if I would be terror stricken when I was alone in the pool. I tried it. I swam the length up and down. Tiny vestiges of the old terror would return. Chote chote particles would dar ke wapas aa jate. But now I could frown and say to that terror, trying to scare me, huh? Well, here is to you. Look, and off I would go to another length of the pool. Ab jab bhi dar meri taraf aata to main dar ko samne jaise chilla ke keh raha hota कि तुम मुझे डरा नहीं सकते, देखो मैं तुम्हें तैर के दिखाता हूं. दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई. अब ये जुलाई तक ये चला. बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड. कहते अभी मैं सेटिस्फाइड नहीं था. आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट. अभी तक ऑथर श्योर नहीं थे कि सारा डर गया है कि नहीं. सो आई वेंट टू लेक. लेक वेंट वर्थ इन न्यू हैम्पशायर. डाइव्ड ऑफ अ डॉक एट ट्रिक्स आइलैंड and swam 2 miles across the lake to Stampact Island. एक island से दूसरे island तक 2 mile का नदी का हिस्सा, तो lake का हिस्सा उन्होंने swim किया. I swam the crawl, breast, side stroke and back stroke. Only once did the terror return. कहते एक बार मेरे अंदर वो डर वापस आया था. When I was in the middle of the lake, जब मैं तालाब के बीचों बीच था. I put my face under and saw nothing but bottomless water. The old sensation returned. वो डर वापस आ गया. इन मिनिएचर, थोड़े पल के लिए, बहुत कम समय के लिए, बहुत छोटे से पार्ट में, लेकिन डर आ गया. आई लाफ्ड एंड सेड, वेल मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी? इट फ्लेड एंड आई स्वैम. मैंने अपने डर को कहा भाई तुम क्या कर लोगे मेरा, मैं तो स्विम करके दिखाऊंगा. येट आई हैड रेसिडुअल डाउट्स. लेकिन कहते उसके बाद भी मुझे अक्सर डाउट होते थे. आपको अगर याद हो मेरा पिछले लेक्चर में आपको कहा था कि ऊंचाइयों को लेकर मेरा डर काफी हद तक खत्म हुआ है, पूरा नहीं गया आज. आज भी कई बार बहुत बड़ी ऊंचाई पे चला जाऊं तो कुछ पल के लिए डर लगता है. एट माय फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरिड वेस्ट, वेंट अप टू द टाइटन, टू कोनार्ड मिडोज, अप द कोनार्ड क्रीक ट्रेल, टू मीट ग्लेशियर एंड कैम्प्ड इन द हाई मिडो बाय द साइड ऑफ द वार्म लेक. The next morning, I stripped, dived into the lake and swam across to the other shore of the and back, just as Doc Corporal used to do. एक बंदा है, Doc Corporal. I shouted with joy and Gilbert Peak returned the echo. I had conquered my fear of water. कहते हैं आखिरकार मैंने अपने डर पे जीत हासिल कर ली. The experience had a deep meaning for me, as only those who have known stark terror and conquered it can appreciate. जिस डर से मैं गुजरा था आज मैं उसको जीत चुका था, और ये फीलिंग को वही समझ सकता है जिसने अपने डर को हराया. इन डेथ देयर इज पीस, देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ. एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस. द विल टू लिव समहाउ ग्रू इन इंटेंसिटी. At last, I felt released, free to walk the trails and climb the peaks and to brush aside. आज मैं अपने डर के ऊपर जीत हासिल कर चुका हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ आप सबके लिए भी बहुत बड़ा मैसेज. बेटा विलियम डगलस ने एक चीज यहाँ पे आपको दिखाई है, और वो चीज आप सबको याद रखें. सिर्फ यही नहीं, ये डर नहीं, जिंदगी में आपको कभी भी कामयाब होना हो ना बेटा, तो दो चीजें आपको लगेंगी. आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे और आपको डेडिकेटेड बने रहना पड़ेगा, वरना नहीं कर पाओगे. अगर मेरे को वजन घटाना है, अगर मुझे हाइट बढ़ाना है, अगर मुझे पढ़ाई में सुपर नंबर वन बनना है, मुझे डांस सीखना है, तो दो चीजें चाहिए होती. एक चाहिए होता है सब्र. आप सोचिए अक्टूबर से बंदे ने सीखना शुरू किया और अप्रैल में जाके सीखा, 9 महीने लगभग, सॉरी 7 महीने.
लंबा टाइम होता है 7 महीने और पेशेंस बनाए रखना बहुत कठिन होता है. दूसरा उसका डेडिकेशन कभी भी कम नहीं हुआ. उसने कभी भी अपने कमिटमेंट से पीछे हटने का फैसला नहीं लिया. उसने सोच के रखा था कि ये काम मैं करूंगा तभी वो कामयाब हो पाया. आप में से किसी को भी कोई भी डाउट हो इस यूनिट के रिगार्डिंग तो फटाफट पूछ लो. उसके बाद हम टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर्स का डिस्कशन शुरू करते हैं. अगर डाउट हो तो चैट में लिख दो बेटा. डाउट ना हो तो प्लीज रेज योर हैंड. आश्वी बच्चा एनी डाउट्स? सावन? नो नो डाउट्स. माधव एनी डाउट्स बेटे? नो सर. ब्रज कोई डाउट है बच्चा? नो सर. थैंक यू. चलिए अब फटाफट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ बढ़ते हैं. एक मिनट का समय दीजिए. स्क्रीन शेयरिंग में मैं वो भी शुरू कर देता हूँ तो फिर हम उनके ऊपर काम शुरू करते हैं. चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर्स का सेशन. डीप वॉटर रिटन बाय विलियम डगलस. इंट्रोडक्शन और समरी में नहीं कर रहा हूं बिकॉज यूनिट 2 आपको एक्सप्लेन किया है. स्पाइरल आप सभी के पास है. ग्लॉसरी में आपके पास सारे डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स प्रोवाइडेड है देख लीजिएगा. हम आते हैं सीधे एक्सरसाइज पर. व्हाट इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट और व्हाट हैपेंड टू डगलस एट वाईएमसीए पूल. आप में से कोई मुझे बताएगा वाईएमसीए पूल पे क्या हुआ था? हाँ बोलो कैनन. कैनन योर हैंड इज रेज्ड. अच्छा वृंदा बोलो. वृंदा बोलो सर. कोई एक कोई एक बड़ा आदमी था उसने उसे धक्का मार दिया था मजाक में. बिल्कुल देखो ध्यान से. व्हेन द नरेटर विलियम डगलस वाज अबाउट 10 और 11 इयर्स ओल्ड ही हैड अ मिस एडवेंचर एट द वाईएमसीए पूल. ही वाज अफ्रेड ऑफ वाटर एंड ही वाज अर्ली टू द पूल सो ही वाज वेटिंग फॉर अदर्स टू कम. एट दैट टाइम अ बिग बुली ऑफ अबाउट 18 इयर्स पिक्ड हिम अप थ्रू हिम इनटू द डीप एंड ऑफ द पूल. The narrator made many attempts to save himself, but they were in vain. He shouted in fear, but no one heard, and then lost consciousness. When he came to his senses, he found somebody had rescued him. Chale, second question hai. How does Douglas make clear to the reader the sense of panic that gripped him as he almost drowned? Describe the details that have made the description clear. Dhyan se suniyega. When Douglas was thrown into the deep side of the pool by the bully, he landed in a sitting position in solid water. He was afraid, but he did not lose his mind. He mentally decided that he would make a big jump when his feet would touch the bottom, so that he could come to the surface. Then he would lie flat on it and paddle to the edge of the pool. Unfortunately, he couldn't, as his lungs were ready to burst. He was afraid and suffocated. He tried to shout, but no sound came. He came to the surface,
but he swallowed water and choked. His feet wouldn't come up and he became paralyzed, rigid. He was screaming, but no one could hear him. Then he went limp and blackness swept over his brain and he lost his consciousness. तो आपको डिस्क्रिप्शन देना है कि उसके साथ पूल के अंदर क्या हुआ. नेक्स्ट है, हाउ डिड हिज एक्सपीरियंस एट YMCA स्विमिंग पूल अफेक्ट द नरेटर. आइए सुनते हैं. व्हेन द नरेटर विलियम डगलस वाज अ चाइल्ड ही हैड ऑलमोस्ट ड्रोन्ड ऑफ. जब वो छोटा बच्चा था तो डूब गया इन द पूल ऑफ YMCA. ही वाज सेव्ड बट द एक्सपीरियंस ही हैड टेररिज्ड हिम. इट हैड लेफ्ट हिम वीक एंड ट्रेम्बलिंग. He used to shake and cry when he lay on his bed. He could not. एक सेकंड ना, यहाँ पे उनकी टीथ लिखी है, sleep है. He could not sleep that night, and for days there was haunting fear in his heart. There was a haunting fear in his heart. ये रिपीट हो गया, ये टाइपिंग एरर मिले बहुत. आप लोग स्पैरल में गलतियों को करेक्ट करिएगा. एक यहाँ पे टीट लिखा हुआ है उसको स्लीप कर दीजिएगा, और हॉन्टिंग फियर इन हिज हार्ट दो बार लिखा हुआ है तो आप उसे पेंसिल से कट कर दीजिएगा बेटा. द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन वुड अपसेट हिम एंड मेक हिम वॉबली. उसकी टांगे हिलने लगती एंड सिक इन द स्टमक. उसको पेट में दर्द जैसा होने लगता. एज ही ग्रो अप द फियर डिडंट अलाउ हिम टू एंजॉय फिशिंग बोटिंग एंड कैनोइंग. He couldn't even wade in the water. वो पानी में उतर ही नहीं पाता. यहां तक कोई डाउट बेटा पहले तीन क्वेश्चंस में? No sir. Question number 4. How did the instructor build a swimmer out of Douglas? Or how did Douglas make sure that he conquered the old terror? Or how did Douglas overcome his fear? अब आप यहाँ पे दो क्वेश्चन देख रहे हैं, ये वाला. ये दोनों क्वेश्चन बोर्ड में पूछे हैं. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पे रख लीजिए इसको, क्योंकि इतने कम समय में बोर्ड के एग्जाम में दो बार पूछा जाना बड़ा क्वेश्चन बना देता है इसको. इसीलिए ये सारे और करके जोड़ दिए गए. एक्चुअल क्वेश्चन तो बुक में यही है, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस. समझे बेटा? लेकिन उसको ट्विस्ट करके इस तरह से भी पूछा गया है. विलियम डगलस डिसाइडेड नॉट टू कंटिन्यू विद हिज फियर ऑफ वाटर व्हिच ही हैड बिल्ट इन हिज चाइल्डहुड. सो ही गॉट an instructor to teach him swimming. One October, he went to a pool and practiced for an hour, 5 days a week. The instructor put a belt with a rope around the narrator and rope went through a pulley. The instructor held on to the other end of the rope. Each time the instructor relaxed his hold on the rope, then the narrator went under the water. The fear came back. It took him 3 months to overcome this fear. Then he was taught to put his face underwater and exhale to raise his nose and inhale. He also learned to move his legs and relax. Finally, in April, he swam the length of the pool and also died. The instructor built a confident swimmer out of Douglas, and then the narrator went on to swim other water bodies and totally conquered his fear of water. आपको पूरी process समझ गया. Question number 4 में किसी को कोई doubt बेटा? No sir. आ जाते हैं question number 5. कहते हैं, why does Douglas as an adult recount a childhood experience of terror and his conquering of it? What larger meaning does he draw from his experience? तो उसके experience से क्या बड़ा आप सीख पाते हैं? The narrator Douglas William said that his childhood experience of the sea water flowing over his head and his near drowning experience in the YMCA pool had terrorized his life. The experience had a deep meaning for him, just like it would have to those who have known and experienced stark terror and have conquered. In death, there is peace, but the fear of death brings terror. He quotes the words of Roosevelt, who said, "All we have to fear is fear itself." The narrator had experienced the sensation of dying and the terror that the fear of dying had produced. Therefore, his will to live somehow increased. He felt released and free to take up the adventure without. Question 5 mein doubt kisi ko beta?
Anybody having doubt in question number five? Okay. Last question. No, sir. Question number six. All we have to fear is fear itself. How did the narrator overcome his fear of water? So, wo jahan jahan adventure karne gaya, wo likha hai. The narrator Douglas William was terrorized by water due to two incidents in his childhood. Pehla wo jab apne papa ke saath California beach wala hadsa ho gaya, aur dusra jab wo pool mein duba. This fear, as a young man, he realized he had to overcome this fear, so he hired a personal instructor and learned swimming in a pool. Then he swam alone and even learned to dive in the pool. However, he still wasn't sure if he had conquered his fear. So he went to swim in Lake Wentworth. He dived off dock at Trips Island. He swam 2 miles across the lake to Swamp Island, Stampact Island. He used all strokes he knew in swimming. The terror returned only once, but the narrator was firm to overcome it. So he went to Lake Wentworth. So he went to Lake Warm and swam across it. Does he remove this? और इस तरह से ऑथर ने अपने डर पे जीत हासिल. किसी को कोई डाउट बेटा? सर हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो. सर ये फोर्थ और सिक्स्थ वाला सेम नहीं है? थोड़ा अलग है, आइए समझाते हैं. कैसे फोर्थ में बताया है उसका प्रोसेस क्या था, इसमें प्रोसेस नहीं बताया. इसमें बताया कि स्विमिंग सीखने के बाद वो कहाँ कहाँ गया. ओके हाँ सर. ठीक है. हाँ माधव आप कुछ पूछ रहे थे? सर यही डाउट ये फोर आ सकता है. आप ध्यान से देखो, फोर्थ में यहाँ पे बताया गया उसका प्रोसेस क्या था, उसकी प्रैक्टिस और महीनों तक वहां पे कौन सी वाटर बॉडीज में हो गया वो नहीं बताया, और यहाँ पे हमने सारे वाटर बॉडीज बताया है. ट्रिक्स आइलैंड, उसके बाद स्टैम्पेक्ट आइलैंड, ये सारी चीजें. क्लियर बेटा? यस सर. सो यहाँ पे हमारा यूनिट नंबर 3 खत्म होता है. किसी को कोई डाउट डिफिकल्टी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग. ओके okay?